हेलो दोस्तों, मैं हूं सारंगोस और आप देख रहे हैं डिस्कवर डेस्टिनेशन। आज मैं रॉयल एनफील्ड पेगासस 500 के बारे में कुछ डिस्कशन करूंगा, तो इस वीडियो को एंड तक देखिए, आपको बहुत सारा इन्फॉर्मेशन नया जानने को मिलेगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। रॉयल एनफील्ड पेगासस 500 कुछ भी प्लैंड बाइक हम लोगों को नहीं पता था कि ये बाइक आने वाला है और हम लोगों को मिलेगा। कुछ दिनों पहले हम लोग देखे हैं कि रॉयल एनफील्ड का जो ऑफिशियल साइट है, इसमें हम लोगों को देखने को मिला कि ये जो बाइक है, ये रॉयल एनफील्ड का नया एक प्रोडक्शन बाइक है और इसको पहले से बुक करना पड़ेगा, तो ये बाइक हम लोगों को मिलेगा। तो ये बाइक आप जान लीजिए कि कोई नया प्लैंड बाइक नहीं है, ये एक ओल्ड बाइक है और इसका जो आउटलुक है इसको थोड़ा चेंज कर दिया गया है। तो इसको पता करने के लिए हम लोगों को इसका जो इंजन का स्पेक्स है, जो पावर आउटपुट है और जो फीचर्स है, इसको देखना पड़ेगा। तो इसका जो पावर आउटपुट है वो है 27.2 bhp एट 5250 rpm एंड जो टॉर्क आउटपुट है वो है 41.3 न्यूटन मीटर्स एट 4000 rpm। ये जो इसका जो क्लासिक 500 था, जो स्टेल्थ ब्लैक और जो भी कलर्स में आता था, और जो थंडरबर्ड 500 है, इसका आउटपुट, पावर आउटपुट एंड टॉर्क आउटपुट का सिमिलर है, आइडेंटिकल है। तो इसका जो इंजन है ये बिल्कुल सेम है, और जो अब अगर ब्रेकिंग और फ्यूल डिलीवरी सिस्टम और सस्पेंशन का बात करें तो ये भी बिल्कुल आइडेंटिकल है रॉयल एनफील्ड का पहले का जो 500cc बाइक था उन्हीं से। तो रॉयल एनफील्ड का पेगासस एक न्यू बाइक नहीं है। तो अब इस बाइक के ऊपर इतना क्रेज क्यों है, इसको हम अगर जाएंगे तो हमको थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। जब हम लोगों का वर्ल्ड वॉर टू हुआ था, तब रॉयल एनफील्ड फ्लाइंग फ्लिया बोलकर एक बाइक को लॉन्च किया था। उस बाइक का जो bhp था वो था 3.4 horsepower, ये काफी कम था, और ये था 4-speed gearbox, और अभी हम लोगों को 5-speed gearbox के साथ मिलता है, जो कि वेट मल्टीप्लेट क्लच सिस्टम के ऊपर बेस्ड है। तो जब फ्लाइंग फ्लिया जो बाइक था, उसका डिजाइन का पिक्चर आप साइड में देखिए, ये देखने में उतना अच्छा नहीं लगता है, पर अब ये जो पेगासस है इससे काफी आइडेंटिकल है। पर जो डिफरेंस, जो खास डिफरेंस है, ये है कि जो पेगासस है ये थोड़ा बल्की है, क्योंकि इसका जो फ्यूल टैंक है, जो इंजन का साइज है, जो टायर्स है, जो सस्पेंशन है, ये थोड़ा इनलर्ज्ड है। क्योंकि आप देख ही रहे हैं कि जो पहले जो फ्लाइंग फ्लिया जो बाइक है, इसका हॉर्स पावर था 3.4 hp, जो काफी कम है, लेकिन उस टाइम में ये एक बहुत ही अच्छा पावर फिगर्स था, और ये बाइक बहुत ही अच्छा बाइक था, और ये वर्ल्ड वॉर टू में बहुत ही एक्सटेंसिवली यूज्ड था। अब ये बाइक के ऊपर इतना क्रेज क्यों है, क्योंकि रॉयल एनफील्ड का जो पूरा बाइक का जो सीरीज है ये पूरा ही ऐतिहासिक है, बहुत ही अच्छा है, और ये बहुत ही मतलब पावर आउटपुट तो देता है, लेकिन ये एक एंथुजियास्टिक बाइक नहीं है, लेकिन आप जो ऐतिहासिक बाइक के तरह इस बाइक को आप यूज कर सकते हैं, क्योंकि इस बाइक का मॉडल बहुत ही अच्छा है। और इस बाइक का क्रेज और भी ज्यादा है, क्योंकि इस बाइक को वर्ल्ड वॉर टू में एक्सटेंसिवली पूरा वर्ल्ड वाइड में यूज किया गया था। आर्मी, जो ब्रिटिश आर्मी था, इंडियन आर्मी था, सब इसको यूज किया था, स्पेशली ब्रिटिश आर्मी। तो ये बाइक का क्रेज के वजह ये एक है, और दूसरा वजह यह है कि ये जो बाइक है फुल वर्ल्ड में सिर्फ 1000 units सेल होगा, और इंडिया में ओनली 250 units सोल्ड होगा, और इंडिया में सिर्फ अलॉट किया गया है ओनली 250 units। तो इंडिया का जो पॉपुलेशन है और जो बाइक सोल्ड होगा 250 units, तो आप अगर बहुत ही लकी होंगे तो आपको ये बाइक मिलेगा, और ये बाइक होना बहुत ही गर्व की बात है, प्राउड है, प्राउड, आपको बहुत ही प्राउड फील होगा कि आप इस बाइक को चला रहे हैं। ये जो इस बाइक का जो टैंक है, इस टैंक में एक सीरियल नंबर यूज होता है, जो सीरियल नंबर, जो 1000 bikes है, 1000 bikes में डिफरेंट सीरियल नंबर यूज होगा, और ये सीरियल नंबर बेस्ड है जो पहले जो फ्लाइंग फ्लिया बाइक था, इसमें जो सोल्जर्स था, सोल्जर्स में डिवाइडेड था सीरियल नंबर का 10 से। तो हर एक बाइक का सीरियल नंबर अलग है, और हर एक सोल्जर
को अलॉट किया गया था डिफरेंट डिफरेंट नंबर्स। अब उसी नंबर को इस बाइक का टैंक में प्रिंटेड एनग्रेव किया गया है और 1000 बाइक्स में 1000 डिफरेंट डिफरेंट नंबर्स आपको मिलेगा। तो ये आपका जो लक है ये इसके ऊपर निर्भर करेगा कि कौन सा सीरियल नंबर आपको मिलेगा और आपको मिलेगा कि नहीं, क्योंकि ओनली 250 यूनिट्स है। तो इसीलिए इस बाइक का क्रेज इतना है। अब ये बाइक दोनों ही कलर ऑप्शन में मिलेगा, एक सर्विस ग्रीन और एक ग्रे कलर में। तो दोनों बाय कलर ऑप्शन में आपको जो कलर पसंद है, आपको ग्रीनिश कलर चाहिए या फिर ग्रे कलर चाहिए, आप दोनों कलर में आप चूज कर सकते हैं। तो आपको एक मिनिमम बुकिंग अमाउंट देना पड़ेगा, ये लगभग रॉयल एनफील्ड में 5000 तक जाता है। और जो नॉर्मल रॉयल एनफील्ड बाइक है इसमें अगर आप कुछ एडवांस दे देंगे तो आपको एक महीना डेढ़ महीना तक वेट करना पड़ता है। तो इस बाइक में वेटिंग पीरियड और भी ज्यादा होने का चांसेस है। अभी तक कुछ फाइनल नहीं बताया गया है कि कब तक ये बाइक कम्प्लीटली आपको मिलेगा, फिर भी बुकिंग अभी ओपन हो जाएगा कुछ ही दिनों में। तो आप जो नियरेस्ट जो मतलब शोरूम्स है वहां पर आप कांटेक्ट कर लीजिए, बात कर लीजिए कि कितना दिन में अवेलेबिलिटी होगा बुकिंग के लिए, तो ये आप बात कर लीजिए। और मैं पहले ही बताया था इसमें कुछ टेक्निकल ट्विक्स नहीं किया गया है, ये कम्प्लीटली पुराना ओल्ड बाइक है जो 500 सीसी बाइक्स आता था, इसमें आपको ABS का भी ऑप्शन नहीं मिलेगा। और ये बाइक 350 सीसी सेगमेंट में अवेलेबल नहीं है, ये बाइक ओनली 500 सीसी सेगमेंट में अवेलेबल है। तो आप तो 500 सीसी बाइक का जो रॉयल एनफील्ड का मिलता है इसका तो कॉस्ट, सर्विसिंग कॉस्ट, फ्यूल एफिशिएंसी इसके बारे में पता ही है, बहुत ही सर्विसिंग कॉस्ट ज्यादा है और फ्यूल एफिशिएंसी कम है। तो इसको सोचकर ही इस बाइक को आप बुक कर लीजिए। पर इस बाइक को आप अगर उसी तरह अगर आप सोचेंगे तो ये गलत होगा, क्योंकि ये बाइक उसी तरह सोचकर नहीं बनाया गया है, ये एक प्राउड मोमेंट है, ये एक हेरिटेज का बात है। आप अगर इस बाइक को खरीदेंगे तो ये बाइक आप सिर्फ एक सोच समझकर इस बाइक को खरीदिए कि आपके पास एक ओल्ड मोनुमेंट टाइप का कुछ सामान आप खरीद रहे हैं। तो इसका जो कॉस्ट है ये एक शोरूम है 2,10,000, ये कुछ नॉर्मल बाइक से ज्यादा नहीं है, ये सेम है, लेकिन आपको कुछ अच्छा मिलेगा, आपको एक हेरिटेज मिलेगा, आप प्राउड कर पाएंगे कि World War II का लुक अलाइक आपके पास कुछ बाइक है। तो आशा करता हूँ कि इस वीडियो में मैं आपको ये जानकारी दे पाया हूँ कि ये बाइक किस लिए इतना क्रेज है इस बाइक के ऊपर, ये बाइक क्यों इतना स्पेशल है और क्यों ये इस बाइक को सिर्फ 250 यूनिट्स अलॉट किया गया है। क्योंकि अगर इस बाइक को ज्यादा अमाउंट में प्रोडक्शन कर दिया जाएगा तो इस बाइक का वैल्यू उतना नहीं रहेगा। और World War II अब समझ पा रहे होंगे कि एक ऐतिहासिक चीज है, ये अगर सबको पास मिल गया तो इसका उतना वैल्यू नहीं रहेगा, इसीलिए इसको लिमिटेड अमाउंट में बनाया गया है। रॉयल एनफील्ड इसी तरह कुछ बाइक्स बनाता है कि आपके पास कुछ यूनिक चीज रहे, आप प्राउड फील कर पाए। और जो चीज है कि इसमें आपको दोनों ही साइड में पैनियर्स मिलेगा, ये सॉफ्ट मटेरियल सॉफ्ट फैब्रिक को यूज किया गया है, तो आप इसको लेकर टूर्स में जा पाएंगे रेडीली। और आपको एक पास तो एक्सेसरीज जैकेट्स हेलमेट्स आपको इसका मैचिंग रॉयल एनफील्ड का शोरूम में ही अवेलेबल हो जाएगा कुछ ही दिनों में। तो आप अगर इसको खरीदेंगे तो ये कंप्लीट पैकेज ही आपको रॉयल एनफील्ड शोरूम में मिलेगा, बूट से लेकर के जैकेट हेलमेट और जो ट्रैक पैंट्स है, जो गार्ड्स है, पैनियर्स तो अवेलेबल है ही बाइक के साथ, जो बाइक का कलर्स है, एवरी किट आपको अवेलेबल मिलेगा। तो इस बाइक को आपको अगर मन है कि World War II का कुछ सामान कुछ ग्लिम्स आपके पास रहेगा तो आप इस बाइक को जरूर खरीदिए, ये आपको लॉस नहीं होगा। और आप अगर रॉयल एनफील्ड का फैन है तो आपको कुछ मुझे बताना नहीं है नया करके कि रॉयल एनफील्ड क्या है। तो आशा करता हूँ कि जो जो जानकारी है इस बाइक के ऊपर मैं आपको बता पाया हूँ, और अगर कुछ जानकारी छूट गया है तो मैं इसको नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लूंगा। लेकिन आशा करता हूँ कि पूरा जो 100% में 99% मैं आपको बता पाया हूँ। तो आपको अगर ये वीडियो पसंद आता है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, और अभी तक अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि हम जब भी एक नया वीडियो लाएंगे आपके पास एक नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो चलता हूँ, आज आपका दिन शुभ हो।